तो ये हमारा मंदिर है जिसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, अंदर भी बहुत ज़्यादा धूल थी, पर वो अभी कैमरे में दिखाई नहीं दे रही। तो ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ जो कि कब जो आसन मुझे मंदिर में बिछाना है। मैं देख रही थी कि कौन सा आसन जो है मंदिर में बिछाऊँ मैं, और मैं श्री जी लाल जी के कपड़े भी निकाल रही थी और उनके आसन भी निकाल रही थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ ही चेंज कर देती हूँ, क्योंकि सब बहुत बहुत ज़्यादा सब में धूल जमी हुई थी। तो इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी मैं कौन सा आसन लगाऊं, ये वाला या फिर ये वाला। तो मम्मी कही थी कि दोनों ही अच्छे हैं, कोई भी लगा ले दोनों में से, और दोनों ही पिंक थे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ दोनों ही सही है, दोनों में से चलो। फिर मैंने एक आसन डिसाइड किया कि मैं ये वाला लगा लेती, और उसके नीचे भी मैंने एक पिंक कलर का आसन बिछाया, उसके ऊपर भी फिर एक दूसरा आसन बिछाया। मैं डबल आसन लगाती हूँ क्योंकि मंदिर में। और इस तरीके से मैंने फिर सारे, ये जो मेरी टोकरी है इसमें भगवान जी के सारे आसन और श्री जी लाल जी के कपड़े रहते हैं, तो मैंने फिर वो भी निकाले। और बस वही मैं जो डिसाइड करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। मैं सोची थी अगर मैं पिंक कलर का आसन लगाई तो श्री जी लाल जी को मैं पिंक कलर के ही कपड़े पहनाती हूँ, तो बस मैं यही देख रही थी। और फिर मैंने ये सारा सामान दोबारा अंदर कैबिनेट में डाला, और मंदिर की सफाई करने के लिए मैं खड़ी उठ गई। और जब मंदिर की सफाई की तो मंदिर में बहुत 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 ज़्यादा धूल जमी हुई थी, क्योंकि हमारा मेन रोड का घर है तो यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा आती है, और हमारी एक खिड़की खुली हुई भी है जिसके वजह से सारी धूल मंदिर के ऊपर जम जाती है। और क्योंकि हम लोग भगवान को धूप दीप भी करते हैं डेली, तो उससे भी जो है उसका भी जो धुआं निकलता है उससे भी मंदिर काला पड़ जाता है। तो अब मैं मंदिर में आ गई हूँ, और मंदिर से मैंने श्री जी लाल जी को उठाया, सबसे पहले निकाला। मम्मी ने वैसे भागी पकवान पहले ही निकाल दिए थे, बस वहाँ पे श्री जी लाल जी और हमारे गुरुदेव की फ़ोटो थी, मैंने वो भी हटाई। और फिर मैंने सोचा पहले मंदिर ही साफ़ करते हैं अंदर से और बाहर से, उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं मंदिर का एक एक करके सारा सामान निकालने लगी। और आप देख ही रहे हैं, मुझे मतलब ये वीडियो छोटी है दिखाने में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मंदिर की सफाई करने में, मतलब पूरा 1.5 घंटा लग गया होगा। और मंदिर में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि मैंने लास्ट मंदिर जो है होली में साफ़ किया था, उसके बाद से मैंने सफाई नहीं की हुई थी मंदिर में। तो बस अब मैं, फिर मम्मी मुझे बोल रही थी कि तू कोई बड़ा सा कपड़ा ले मंदिर साफ़ करने के लिए। मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं इस रुमाल से ही मंदिर साफ़ कर दूँगी, और आप बस एक बड़े से जग में या फिर पतीले में पानी ले आओ, ताकि मैं जितना भी डस्ट है उसका जो भी है मैं उस पानी में धो सकूँ कपड़े को। अब आप देख रहे हो मैं अपना कैमरा सेट कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जैसे सफाई कर रही हूँ ना ऊपर कितनी डस्ट हो रही है, एटलीस्ट मैं आपको दिखा सकूँ। बहुत 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 ज़्यादा धूल जमी हुई थी। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा धूल जमी हुई है ऊपर, मतलब एक बारी में ही, मतलब ऐसे हाथ मारने में ही मेरा पूरा कपड़ा ही काला हो गया था वो, और मुझे समझ नहीं आता। मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है, मुझे जल्दी जल्दी मंदिर साफ़ करना चाहिए, लेकिन उसके अंदर भगवान इतने ज़्यादा है। तो देखिए कितनी मैं आपको दिखा रही हूँ ना धूल जमी हुई है, बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। मंदिर में भगवान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी जल्दी सफाई नहीं कर पाती मंदिर की। लेकिन जब हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो मैंने सोचा है कि इनमें से कुछ भगवान मुझे हटाने इन द सेंस, यहाँ मेरे मंदिर में 2 गणपति जी है, तो 1 गणपति जी जो है मेरे लॉकर के हैं, तो उनको वापस मैं लॉकर में रखूँगी। और और जैसे यहाँ पे मेरी 2 माता रानी की फ़ोटो है, जो हमारी कुलदेवी है माता राजेश्वरी, तो उनकी 2 फोटोज़ है। तो एक फ़ोटो जो पुरानी वाली है और पहले से हमारे दादाजी के टाइम की थी, वो तो मैं मंदिर में रखूँगी। जो नई अभी पापा ने हमें दी थी बनवा के, वो मैं उसके लिए मैंने एक जगह डिसाइड की है जिसके आगे मैं माता का दिया जला के उसको वहाँ पर रखूँगी। और बाकी लक्ष्मी जी, गणेश जी है जो मेरे लॉकर के थे, और श्री अंतर जी भी है जो मैं लॉकर के अंदर रखती थी, वो सब चीज़ें मैं वापस वहाँ पे जाके लॉकर के अंदर ही रखूँगी। तो मंदिर में स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वैसे मंदिर बड़ा है। तो देखिए पूरी सफाई करने के बाद फाइनल लुक मेरा मंदिर का ये आया है, मंदिर कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है, श्री जी लाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं, श्री जी कितनी सुंदर लग रही है, पूरा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। तो ये था आज का मेरा मंदिर का टूर और क्लीनिंग, कि मैंने किस तरीके से मंदिर साफ़ किया। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। यहाँ पे अभी मेरे लड्डू गोपाल जी नहीं बैठे, उनके लिए आपने देखा मैंने आगे आसन लगा रखा है, तो अभी मम्मी उनको लेकर आएंगी और फिर उनको बैठाएंगी। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं।